2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध था। हर देशवासी की आंखें नम हो गई। चहु और जहां आतंकियों के इस कायराना कुकृत्य की निंदा आज भी हो रही है, वहीं इस आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जा रहे हैं। देश का हर नागरिक यथा सामर्थ्य अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के शहीद भगत सिंह युवा संगठन द्वारा शहीदों को नमन करते हुए गोपुर चौराहे पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संगठन से जुड़े हुए अथर्व रावल, ऋतिक खतूरिया, गौतम रत्नावत, हिमांशु तलरेजा, शिवाजी खतूरिया, अनंत गहलोत, विशाल कुशवा, आयुष बाथवे, नमन बर्फा, आशीष खटीक, आकाश मराठा एवं युवाओं द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य सिंह गौड़, श्यानु शर्मा, राष्ट्र समाचार के प्रधान संपादक सुरेश जी खतूरिया सहित शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज का दिन जो है, हम लोग जितनी भी जनता है ज्यादा जागरूक नहीं है, वैलेंटाइन डे ज्यादा मनाते हैं। तो मेरा तो ये सुझाव है वार्ड 82 के पार्षद श्यानु भैया के लिए, एकलव्य भैया को भी अभी फूटी कोटी पे मेरा सम्मान किया गया था, वहाँ भी मैंने ये बोला था कि हर चौराहे पे आज 14 फरवरी के दिन ये शहीद दिवस मनाया जाना चाहिए, तो लोग बहुत जागृत होंगे। ये प्रचार प्रसार नहीं है सेना का, सेना खुद अपना प्रचार प्रसार नहीं करती, लेकिन ये शहीद दिवस के उससे तो जितनी जगह ज़्यादा जगह हर मोहल्ले में हर चौराहे पे अगर मनाया जाएगा तो जो अभी जो नई जनरेशन है इसके अंदर ये भावना पैदा होगी कि हम सेना में भर्ती हों, और सेना को जवान लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज दिनांक को 14 फरवरी में 2019 को पुलवामा अटैक में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तो आज उन्हीं को याद करते हुए आज उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करी थी गोपुर चौराहे पे। जैसे कि आज के दिन, जैसे कि आज 14 फरवरी को जैसे कि लोग वैलेंटाइन डे बहुत मनाते हैं, तो इसमें उनको ना देखते हुए कि मतलब जो देश के लिए जो शहीद हैं, जो मतलब पूरे लगे रहते हैं, तो पुलवामा अटैक में जो उनका दुखद घटना हुई थी, तो उस विषय में आज देखते हुए गोपुर चौराहे पर अर्पित करी थी उनको श्रद्धांजलि। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक दुखद और अविस्मरणीय दिन के रूप में हम सभी भारतीय देखते हैं। पुलवामा अटैक में शहीद हुए वीर जवानों को आज यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश में जगह जगह आज का दिन और उस दिन जो वीर जवान शहीद हुए थे उनको याद किया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत 18, 19, 16, 17 इस एज के बच्चे आज यहाँ वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई जगह हम आज का दिन एक अविस्मरणीय दिन तो है ही, पर एक दुखद पक्ष ये भी है आज के दिन का कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। कई लोगों को आज पुलवामा अटैक हुआ था ये याद भी नहीं है, तो ऐसे में ये युवा जो यहाँ जमा है इनको मैं हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस युवावस्था में भी इस संवेदनशील दिन को याद रखा और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आज एक और जहाँ युवा अपनी दुनिया में मस्त है और वैलेंटाइन डे मना रहा है, ऐसे में ऐसे एक दुखद दिन को भी याद करना, तो मैं इन सभी युवाओं को पुनः हृदय से साधुवाद दूंगा और उन वीर जवानों को अपनी ओर से, परिवार की ओर से, हिंद रक्षक संगठन की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हम देशवासी स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद वातावरण में हम सांस ले सकें, इसके लिए अपने प्राणों को आहूत किया। ये श्रद्धांजलि बड़ा दुखद हादसा हुआ था पुलवामा हमला, उसके उपलक्ष्य में हमने वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी।